भी मिशन है हमारा चीनी गुलाब। चीनी गुलाब तोड़ेंगे। वो मम्मी बोल रही है पता नहीं मोनोड़ा आज बाहर क्यों था, अभी डैड ने डाला था कि नहीं पता नहीं। थोड़े बहुत यहाँ से ले लिए हैं, ये डाल देते हैं इधर, और थोड़े बहुत लेने हैं वो उधर से लेने हैं दोस्तों। ये थोड़े और वहां से ले लिए, फिर डाल देंगे। किधर है भाई? आजा मेरे राजा, चल खा ले दोस्त। हेलो हेलो, इसको ये इसको एक तो पता भी नहीं चलता है, इसको ऐसा ऐसा करेंगे ना वो सोचेगा कोई जानवर है इसको परेशान कर रहा है। तो अभी हम इनको यहीं पे छोड़ देते हैं खाने के साथ, फिर बाद में इनको देखेंगे। इन्वेस्टिगेशन कर रही है मम्मी। उन्होंने निकाला था? नहीं निकाला था, बोला पता मतलब वो खुद ही निकल गया या फिर बोला देखो कोई दूसरा तो नहीं आ गया। नहीं नहीं नहीं, खाने में दोस्तों वो तंदूरी सेकी जा रही है, चाय है, फिर नाश्ता करेंगे। इसके पहले ये मोनू को हम रखते थे दुकान पे, दुकान में भी बाहर बहुत तुलसी है, वो चंपा है, उसके वो खामड़े में रखते थे। वहाँ वो इतना मतलब ये मेरा हाथ दिख रहा है ना, इतना जमीन के अंदर ही रहता था, वो कभी पता ही हम नहीं लगा पाते थे कि कौन सा खामड़ा में कहाँ अंदर गए। फिर जैसे जैसे थोड़ा बड़ा हुआ वैसे ही वो निकल जाता था, हमने इतनी बड़ी बड़ी पारियाँ वो उसका बाउंड्री बना दिया था कंक्रीट के ब्लॉकों से। वो ब्लॉक मेरे अकेले से हिलता नहीं है, सब ब्लॉक है, उसको मालूम नहीं कैसे पार कर जाता है। इसकी डबल हाइट का था तो निकल जाता था। अब ये भाई साहब फिर बड़े हो गए, वो खामड़ा फिर निकल के, वो दूसरा कोई डर नहीं है, डर होता है बिल्ली का। बिल्ली इसको ना एक बार भी उल्टा कर देना फिर ये भाई साहब खुद से सीधा नहीं हो पाएंगे, तो वो एक डर रहता है। तो आज दिखा दिया, अभी इसका सॉल्यूशन लाएंगे हम कुछ ना कुछ। हाँ तो रहे हैं भाई, मैं बहुत पास नहीं जाऊंगा नहीं तो फिर डर जाएगा वो, इसलिए दूर से ही हम शूट करेंगे। हे दोस्त थोड़ा और खा ले यार, इतने में से पेट नहीं भरेगा, और बाहर मत निकला कर फिर लोचा हो जाता है। ये इसकी पारियाँ देखो कितनी लंबी है, ये मोनू से डबल हाइट की है, फिर भी आज मालूम नहीं ये इस पे चढ़ा था या किस पे चढ़ा था, वो बाहर निकल गया। फिर यहाँ से फिर ऐसा सीधा गिर जाएगा, गिरने का टेंशन ही नहीं है, ये कहीं से भी गिरे इसी इधर से गिरेगा ना, इसको कुछ नहीं होएगा। ये इसका तो सेल तो इसमें तलवार नहीं लगती तो दूसरी क्या बात है दोस्तों, लेकिन डर बिल्ली का है। धुआं है धुआं जिंदगी, एक तंदूरी जल गई। नहीं दूसरा एक गाना भी है वो, धुआं है धुआं जिंदगी एक ख्वाब जल गया, तो ये धुआं में हमने पराठा जलाया। ये वाला पराठा भी मोम सेक रही है तो दोनों खाएंगे दोस्तों। उस तरफ मम्मी की चाय, इस तरफ मेरी चाय, पराठा, इसमें तंदूरी, कुदरती शेड़ी ना कुदरती गुड़, शुद्ध देसी घी गुड़, बेस्ट स्वीट ऑफ इंडिया, क्या है इसमें? थेपला तरेला। इसी के साथ दोस्तों मैं जा रहा हूँ काम पे, और ये देखो हाय मॉम। हाँ तो मम्मी थोड़ा अभी वो तू जा रहा उखेरा है वो कंप्लीट करेगी, तब तक फिर शाम तक मैं आ जाऊंगा। अभी थोड़ी देर में डैड भी आएंगे चक्कर लगाने, क्योंकि अभी सिर्फ मम्मी का नहीं देखना है, अभी मोनू का भी देखना है। मोनू उड़ानू कहीं कर जो हो तुम्हें, मोनू बात है कि क्यों है, उसकी शादी करनी पड़ेगी। अरे यार दीवार कूद के टेक जाते हैं तो डरने वाली बात है, कोई बात नहीं उसका भी कुछ हल ला देंगे। शाम को मिलते हैं दोस्तों। मित्र रात हो गई 10:45 बज गए, मैं आ गया काम से, अभी यहाँ पे तो खाने का है नहीं, खाने का किचन में है। मुझे बस एक बात शेयर करनी थी, मैंने आज एक वीडियो देखा, वो वीडियो में वो तपेला लिया उसने, वो कढ़ाई, कढ़ाई में उसने डाली जेली, जो जेली मिलती है ना रबड़ जैसी, वो डाली डाली डाली, फिर गैस चालू कर दिया, उसके बाद जेली को पिघला, उसके बाद उसकी चाशनी बन गई, उसके बाद उसमें मैगी डाली।
मैगी डालने के बाद वो मैगी बन गई तो उसको प्लेट में ऐसे निकाल के जैसे उत्तपम बनाता है ना वैसा उत्तपम की तरह डाला, फिर उसको ठंडा होने दिया तो वो जली का लेयर ऊपर था ना वो प्लास्टिक जैसा बन गया और ऐसा गोल बन गया, उसके उसके अंदर मैगी थी। चलो कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है, ऐसे लोग है तभी तो हमारे जैसों की इज्जत होती है ना दोस्तों। ये खड़काव अभी भी इधर ही है, पता नहीं शायद थोड़ा सा थोड़ा और निकाल दिया, तो मम्मी निकाले जा रही है। जरा सा बंद कर दिया, देखो वो ऐसे को काम पे लगा दिया। हाय मम्मी, केम छो? हाय डैडी। हेलो हेलो डैडी। थाली धर रहे हैं मिक्स वेज सब्जी चपाती। ओके, मतलब डैडी आज डायरेक्ट बता ही दे रहे हैं। यस्टरडे चना की दाल, राइस, चा, ओ घी, ओ वाह, खिचड़ी और वो मिक्स वेज है, छाछ है और रोटी है। तो भगवान को थाली धरने के बाद ये खाली प्लेटें भर देते हैं दोस्तों। समोसा ना, भूख भूख लगेगी क्या? नहीं भूख तो ना लगेगी। हाँ पता है आएगा ऐसा फाट करके। भाई तो वे मैंने कपड़े भी डाल दिए हैं, मम्मी का काम बढ़ा दिया है थोड़ा। आज मैंने दोस्तों बराबर रोल मारा है ताकि मुझे फिर सुनना ना पड़े। क्या हंस रहा है? नहीं, काम में परफेक्शन होना चाहिए और वो आज तूने किया है, अच्छी बात है। अरे ये किसको नहीं आता दोस्तों, ये रोल करना किसको नहीं आता है? आता तो है पर आलस आता है उसके। हाँ वो थोड़ा चलो कोई बात नहीं, आज मैंने कर दिया है दोस्तों, खत्म कर दिया ऐसी को। अभी ठाम भी उतर चुके हैं। हूँ खाऊ सो तुम्हें मुखवास नहीं काशी पात्री नो माओ। हाँ क्यों नहीं खा सकते? इधर मिलता है, इधर मिलता है। लखन वाले के काची पात्री से मावा खाओ। हाँ वो मुंह में वो मावा ही है। हो सकता है मिलता है तो खा भी लेती, पर मिलता ही नहीं है। हाँ इंडिया में खाते हैं। मम्मी ये खाएगी ना मावा तो इधर ऐसा गोड़ गोड़ करके। वाह क्या इंडिया में आप जाते हो तो खाते हो ऐसा? हाँ खाते हैं एक दो। आप खाते हो? मैं नहीं। पर मैंने जिसको देखा ना उनको पूछा कि भाई आप लोग क्यों ये खाते हैं? जेंट्स खाते हैं तो अलग बात है, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई लेडी बुरा नहीं माने, पर ऐसे ही पूछा था तो बोले कि तेरे को काम नहीं करना है, हम लोग काम कर रहे हैं, खेत में जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो हमको कीक लगनी चाहिए। नहीं नहीं गुजरात में हमारे काफी सारे जोक्स है और ऐसी सच्ची स्टोरीज भी है कि जैसे लड़का लड़की देखने गया तो पूछा कि भाई लड़के को व्यसन है कि ये स्टोरी पहले सुनी हुई लगती है, है? नहीं इससे पहले मैं स्टोरी बता देता हूँ। बोले लड़के को व्यसन है कि नहीं बताओ। बोलते नहीं नहीं लड़के को कोई व्यसन नहीं है। दो मिनट बाद लड़का निकाल के मावा खाता है तो बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले ये थोड़े ना व्यसन में आता है। आप क्यों हंस रही हो? वो हमारे साथ हुआ था। तभी जब हमारी सगाई हुई ना तभी तेरे डैडी भी खाते थे मावा। हाँ। और बा ने आके, बा मुझे देखने आए। हाँ। आके बोला एक ही बेटा है, कोई जात का लेसन नहीं। कोई जात का लेसन नहीं, तम्बाकू खाता है नहीं, फाकी खाता है नहीं, बीड़ी सिगरेट कुछ भी नहीं। अच्छा है भाई एक ही बेटा है और इतना अच्छी तरह से रहता है। तो थोड़ी देर बाद जब वो लोग जाने लगे तो नन्ना बापू जो मेरे पापा है ना वो बाहर निकले तो तेरे डैडी खड़े खड़े ऐसे मेरी पोल कॉलेज मम्मी। मैंने तो मेरे ससुर जी के साथ भी मावा खाया, गुटका खाया। अच्छा हम लोग दोनों चाय के गर्व से बोला मैंने ससुर जी के साथ। मतलब जो भी करना है बड़ों के सामने करो, छुप छुप के नहीं करो।
और बाद में बोला मेरा बेटे को कोई जात का लेसन नहीं है, बाहर जाके देखा तो बेटा ऐसे ऐसे बताइए डैडी भाई, आप सबका स्वागत है बताइए किधर बर्थडे में। हाँ बर्थडे में तो एक तो जो है नम्रता बेन दर्जी, उसकी मम्मी का नाम राजू बेन था, वो अभी है नहीं लेकिन उसका बर्थडे है। दूसरा है बिलेटेड बर्थडे चिराग पटेल का, जो निराली बेन सुहागिया का ननदोई होता है। हैप्पी बर्थडे। वो हमारा रावणा के लिए बहुत अच्छे अच्छे सजेशन आए तो थैंक्स दोस्तों, एक एक करके सब ट्राई करेंगे क्योंकि रावणा तो है नहीं। तो कोई ऐसा है कि भाई वेट करो वो खुद ही आएंगे, कोई हाँ। ऐसा है कि ये करो वो करो, वो भी है, सब वो करेंगे। रावण सही है दोस्तों। वो कितना एक साल का हुआ है ना अभी, हाँ। तो छोटा दो अभी साल का। पौने दो साल, पौने दो साल का हो गया भाई, दो साल का होएगा ना तभी आ जाए। अच्छा मतलब पौना हो पा वो पा जितने बाकी माओ बाओ पे दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे हम, फिर आपको कल मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंटो करे रख जाओ जय हिंद।